Hey, hi guys. Today, as we all know, we live in a multi-device world. मतलब अगर हमें entertainment consume करना है तो हम smart TV पे जाते हैं, हमें अगर document edit करना है तो हम laptop पे करते हैं, हमें games खेलने होते हैं mobile पे जाते हैं, हमें कोई video edit करना होता है या कोई script लिखनी होती है तो हम जाते हैं tablet पे. लेकिन जब बारी आती है इन सब devices को एक साथ इस्तेमाल करने की, तब हमें काम आते हैं multi-device hardware. जैसे मल्टी डिवाइस कीबोर्ड, मल्टी डिवाइस माउस. मल्टी डिवाइस हार्डवेयर ये होता है कि किसी भी हार्डवेयर पे और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे वो इजीली सिंक हो जाते हैं. मतलब अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड का फ़ोन हो या आईफोन हो, कोई विंडोज़ या उबुंटू का लैपटॉप हो या फिर हो मैकबुक, इन सब के साथ ये एक साथ सिंक हो सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं. इसी सीरीज़ में आज हम देखेंगे ये माउस. मेरा मतलब है ये माउस. ये माउस जी हाँ, ये है MW203, अ मल्टी डिवाइस वायरलेस साइलेंट माउस फ्रॉम ASUS. आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके सारे फीचर्स और एंड में जानेंगे इस माउस के सारे प्रोज एंड कॉन्स. अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि दिस माउस इज मेड फॉर यू, वी हैव गिवन अ बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक आउट. ये है इस माउस का बॉक्स, जिसके एक तरफ दिए है इस माउस के सारे मेन फीचर्स, जैसे कि दिस इज अ साइलेंट माउस, 2.4 GHz USB डोंगल इसके साथ आता है, DPI जिसके बारे में हम बात करेंगे, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन आता है इसका, और ये आता है 3 कनेक्टिव मोड के साथ जो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे. और बॉक्स के पीछे की तरफ दिया है एक मिनी यूज़र मैनुअल विच टॉक्स अबाउट द बटन्स एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द माउस. बॉक्स में आपको मिलते हैं माउस, AA बैटरीज, यूज़र मैनुअल और हाँ, 2.4 GHz कनेक्टिविटी के लिए डोंगल. बात करें इसमें दिए हुए बटन्स की, पहले तो इसमें आते हैं अप एंड डाउन की, और कह सकते हैं बैक और फॉरवर्ड की, जो आप वेब ब्राउजिंग के वक्त आपके वेब ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा आता है इसमें स्क्रोलर, अगर आप इस स्क्रोलर को प्रेस करते हैं तो इट वर्क्स एज अ मिडल क्लिक. स्क्रोलर के ही पीछे है DPI स्विच, जो 1000, 1600 और 2400 DPI में स्विच करता है. माउस के नीचे आपको मिलता है कनेक्शन मोड स्विच, जो स्विच करता है 1, 2 और 3 के बीच में, जहां 1 रिप्रेजेंट करता है 2.4 GHz USB कनेक्टिविटी, 2 और 3 रिप्रेजेंट करते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 और 3.0 दोनों के साथ. ठीक नीचे दिया है ऑन ऑफ स्विच और उसी के ऊपर दिया है कनेक्टिविटी वाला बटन. अगर आपको पेयरिंग मोड में जाना है तो इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए और आपका माउस जो है वो पेयरिंग मोड में चला जाएगा. तो पहले जाइए विंडोज के ब्लूटूथ सेटिंग में, क्लिक कीजिए ऐड डिवाइस पर, वहां पे क्लिक कीजिए ब्लूटूथ और अपने माउस का ऑन ऑफ स्विच जो है उसे ऑन कर दीजिए और उसका मोड स्विचर जो है उस बटन को प्रेस कीजिए. जैसे मैंने कहा 2 और 3 रिप्रेजेंट करते हैं ब्लूटूथ, तो हम जब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो हम किसी भी एक में जाएंगे, इस केस में हम जा रहे हैं नंबर 2 मोड पे. 2 के नीचे का LED जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये माउस विजिबल हो जाएगा आपके लैपटॉप को, वो आपको डिवाइस चूज़ करने के लिए कहेगा. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर माउस एंड यस, योर माउस विल बी कनेक्टेड टू योर लैपटॉप. लेट्स गो टू आईफोन. आपको कोई भी हार्डवेयर अगर कनेक्ट करना होता है आईफोन में, तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पहले ऑन करना पड़ता है. तो जाइए सेटिंग में, जाइए एक्सेसिबिलिटी में, गो टू टच, वहाँ पे असिस्टिव टच है जो ऑफ होगा, तो उसे ऑन कर दीजिए. जैसे आप ऑन करते हैं आपके ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका MW203 माउस BT 5.0 के नाम से. उसे टैप कीजिए और आपका माउस आईफोन से कनेक्ट हो जाएगा. अगर अब तक आप इस वीडियो पर टिके हुए हो तो आई अज्यूम के यू आर लाइकिंग दिस कॉन्टेंट. इफ़ दैट इज द केस, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज लाइक दिस. पहला प्रो इस माउस का ये है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंटली बिल्ट माउस. ये आपके हाथ में बहुत ही ईजिली रेस्ट हो जाता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है. और जैसे कि मैंने कहा, द मोर सरप्राइजिंग पार्ट फॉर मी वॉज, इसको ये जो दो उंगलियाँ रखने के लिए भी यहाँ पर जगह दी गई है, जो मुझे किसी भी माउस में दिखाई नहीं दी, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में. तो इट्स अ वेरी हैंडी डिवाइस और आप इसको ज़्यादा वक्त तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का एक फ्लॉ है जो हम कॉन्स में जानेंगे. दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ईजिली सिंक हो जाता है और बहुत क्विकली सिंक हो जाता है. तीसरी इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लेगेसी हार्डवेयर को भी सपोर्ट करता है. मतलब दिस माउस ऑल्सो सपोर्ट्स ब्लूटूथ 3.0. अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जो अभी भी 3.0 या 4.0 की फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, तो दिस माउस विल डेफिनेटली कम इन हैंडी फॉर यू. इसमें दिया है DPI स्विच. जी हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए DPI का मतलब है डेंसिटी पर इंच. ये एक्चुअली आपके माउस का जो स्क्रोलिंग का स्पीड है
उसको कंट्रोल करता है, और इसके बारे में भी एक कौन है जो हम कौन सेक्शन में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए ये स्विच यहाँ पे दिया गया है, विच इज़ अ वेरी हैंडी टूल टू स्विच योर DPIs. और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी है कि इट्स अ वेरी साइलेंट माउस, जैसे कि इसका नाम है. सी, ये बहुत ही क्लिकेबल और बहुत ही साइलेंट माउस है. आप रात को भी अगर काम कर रहे हैं और किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं तो दिस माउस इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट केस. पहला कौन तो ये है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये फीचर बहुत ही महंगे माउस में होता है कि आप सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर सकते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड कर सकते हैं और बटन्स को आप रिकॉन्फिगर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे ट्रिटबिट्स इसमें नहीं आते हैं कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस. दूसरी चीज़ ये है, एक जो मैंने फीचर बताया था वो इसका कॉन भी है कि ये जो बिल्ड है इट इज़ डेडिकेटेडली मेड फॉर राइट हैंड यूज़. जी हाँ, जो भी लेफ्ट हैंडर्स है वो ये माउस शायद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी राइट हैंडेड ओरिएंटेड डिज़ाइन आई शुड से. तीसरी चीज़, ये ऑब्वियसली रिचार्जेबल नहीं है, आपको बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो असूस कमिट करता है कि 13 महीने तक चल सकती है, बट जबकि इसमें ऑन ऑफ स्विच दिया है तो आई थिंक इससे ज़्यादा ही चल जाएगी. जो इसके साथ बैटरी दी है उसको कमिट किया गया है कि वो 13 महीने चल सकती है. ये रहा इस माउस का डिटेल रिव्यू, फंक्शनैलिटी, प्रोज एंड कॉन्स और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ.